बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी का नक्श, हर परेशानी का फौरी हल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस एक वीडियो में आपकी तमाम परेशानियों के हल के लिए बहुत अहम बातें बताई गई हैं। इसमें अमराज़ जिस्मानी से लेकर ज़िंदगी की दीगर परेशानियों से निजात के लिए सिलसिला के बुज़ुर्गों की रहनुमाई मौजूद है, इसलिए आज की वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप सही मायनों में हमारी इस कोशिश से फ़ायदा उठा सकें इंशाल्लाह। आयतल कुर्सी के फ़ज़ाइल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान करीम की चोटी सूरह बकरा है। इस सूरा में एक आयत मुबारका है, ये सारी आयात की सरदार है और ये आयत मुबारका आयतल कुर्सी है। नाजरीन, हमारे यहाँ आयतल कुर्सी के नक्श ख़ास औकात में तहरीर किए जाते हैं, जिन पर 6 करोड़ मरतबा आयतल कुर्सी की तलावत करके दम किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ हर जुमे को अरबों खरबों की तादाद में मुख्तलिफ साइलीन का तलावत करदा जिक्र इस्मे आज़म भी दुआ के लिए मौसूल होता है। हमारे बुज़ुर्ग उन साइलीन का अरसाल करदा जिक्र इस्मे आज़म अल्लाह के हजूर पेश करके उनके लिए खसूसी दुआ करने के बाद तमाम नकूश पर दम कर देते हैं, जिससे उन नकूश की रूहानी तासीर बेहद बढ़ जाती है। हमने ये देखा है कि जब हमारे रूहानी माहिरीन नक्श आयतल कुर्सी को साइल के नाम और वालदा के नाम मंसूब करते हैं तो इस नक्श को पास रखने से उस साइल की हर परेशानी दिनों में हल होने लगती है। जिस लड़की या लड़के की शादी ना हो रही हो, उसे चाहिए कि इस नक्श पर अपने नाम का इस्मे आज़म तलावत करके रोज़ाना दम करे। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे घराने में रिश्ता तय हो जाएगा। जिन मियाँ बीवी में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता हो और शोहर बीवी की इज्जत ना करता हो, तो बीवी को चाहिए कि इस नक्श पर वो ख़ास इस्मे आज़म और हुब का अमल पढ़े, जो उसे हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से नक्श के साथ ही अरसाल किया जाएगा। नक्श आयतल कुर्सी अमराज़ जिस्मानी के हवाले से बेहद मुजर्रब है। जिस मरीज़ पर दवा असर ना करती हो, उसके नाम ये नक्श मंसूब करवा के उसके गले में पहना दें। इस नक्श के साथ आपको शफा की एक आयत मुबारका बताई जाएगी, जिसे हमारे सिलसिले के मेंबरान ने 20 करोड़ मरतबा तलावत करके अल्लाह और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हजूर तोहफ़तन हदियतन पेश किया है, जिसकी बरकत से इंशाल्लाह छुपी हुई बीमारियां भी जाहिर होती जाएंगी और दवा भी असर करेगी। ऐसे बच्चे जो इम्तिहान में बार बार फेल हो जाते हैं या कम नंबर हासिल करते हैं, या जो बच्चे इम्तिहान में आला कामयाबी हासिल करते थे मगर अब वो बीमार रहते हैं या उन्हें सबक याद नहीं रहता, तो इस नक्श को पहनने से इंशाल्लाह उन्हें एक बार याद किया हुआ सबक भूलेगा नहीं और वो इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। जिस भाई का कारोबार ना चलता हो, उसे चाहिए कि इस नक्श को उसी जगह लगाए जहां उसका कारोबार होता हो और इस्मे आज़म के साथ साथ सूरह तलाक की आयत मुबारका हमारे सिलसिले से हासिल करके इस नक्श पर रोज़ाना फूंक मारे। इस आयत मुबारका को बाकायदगी से तलावत करने से जब इसका फैज़ जारी हो जाए तो रिस्क में बरकत का वो आलम हो जाता है कि उस मोहल्ले में भी कोई गरीब नहीं रहता। जिन बहनों या भाइयों को जॉब में तरक्की नहीं मिलती और ऑफिस में मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है, जिस वजह से ना वो जॉब छोड़ सकते हैं और ना ही उस ऑफिस के माहौल में उनके लिए काम करना आसान होता है, उनके लिए ये नक्श ऐसी फजीलत का हामिल है कि अफसरान के दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा होगी और वो उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे, इज्जत के साथ उन्हें तरक्की भी देंगे इंशाल्लाह। ऐसी ख्वातीन जो एक बार भी हामला नहीं हुईं, या फिर ऐसी ख्वातीन जिनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, उन्हें चाहिए कि इस नक्श को अपने पास रखें और इस पर रोज़ाना सिलसिले का दिया हुआ इस्मे आज़म पढ़कर दम करें। इसके साथ साथ रोज़ाना रात को सोने से पहले शहादत की उंगली से अपने पेट पर या मुसव्विरू या खालिकू या बारीऊ 5 मरतबा लिखें और पैदा होने वाले बच्ची या बच्चे की तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और दिन पैदाइश हमें बताएं।
हमारे बुजुर्ग खास कुलियात के तहत उस बच्चे के नाम का पहला हरफ उसके लिए मुंतखब फरमाएंगे। इंशाल्लाह उस हरफ से शुरू होने वाला जो भी नाम आप रखेंगे वो हमेशा उस बच्चे के लिए बाबरकत रहेगा। जिन अफराद पर बार बार जादू या सिफली अमल हो जाता है और वो चाहते हैं कि एक ही अमल से हमेशा के लिए उन शैतानी चीज़ों से निजात मिल जाए, तो नक्श मंगवाने से पहले हमें अपनी अलामात से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि हर जादू या सिफली अमल का तोड़ एक जैसा नहीं होता। मसले की नौयत को देखते हुए हमारे बुजुर्ग ही आपके लिए रहनुमाई करेंगे कि आपके ऊपर जो जादू किया गया है उसकी काट नक्श आयतुल कुर्सी से ही होगी या फिर नक्श सुलेमानी से। इसके अलावा भी आप पसंद की शादी, औलाद नरीना, जादू का तोड़, बंदिश से छुटकारा, ससुराल में इज्जत, बहन भाइयों में इत्तफाक, शोहर की गैर औरतों से दिलचस्पी हटाना, औलाद को ताबेदार करना, दिमागी कमजोरी से निजात और दीगर मसाइल के हल के लिए हमसे नक्श आयतुल कुर्सी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फैज़ यकीनी होगा। नक्श मंगवाने के लिए मर्द हजरात हसनैन साहब से 03065111214 पर और ख़वातीन 03217970893 पर राबता कायम करें। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों से शेयर ज़रूर करें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।